जय श्री कृष्णा। आज मंगलवार के दिन आइए सुनते हैं राम जी और हनुमान जी की यह कथा। परम भक्त हनुमान जी आराध्य देव प्रभु श्री राम के हमेशा पास रहते थे। प्रभु भी बजरंग बली को भाई समान प्रेम करते थे। इस प्रेम और भक्ति के चलते मृत्यु के देवता कालदेव अयोध्या आने से डरते थे, मगर इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही है। यह नियम प्रभु राम पर भी लागू था। त्रेता में मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद उनके पृथ्वी पर आने का उद्देश्य पूरा हो गया। उन्होंने पृथ्वी लोक छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन कालदेव तब तक उन्हें मृत्यु लोक नहीं ले जा सकते थे जब तक हनुमान उनके साथ हों। राम जानते थे कि उनके जाने की बात हनुमान को पता चलेगी तो वह पूरी पृथ्वी में कोहराम मचा देंगे। ऐसे में राम जी ने उन्हें खुद से दूर करने के लिए अंगूठी खो जाने का बहाना बनाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस दिन कालदेव को अयोध्या आना था उस दिन राम जी ने महावीर को मुख्य द्वार से दूर रखने के लिए अपनी अंगूठी महल के फर्श की दरार में डाल दी। उन्होंने हनुमान जी को उसे निकालने को कहा, लेकिन अंगूठी निकालने के लिए हनुमान जी छोटा आकार लेकर दरार में घुस गए, मगर यह दरार न होकर पूरी सुरंग है जो नागलोक की ओर जाती है। वहां पहुंचने पर हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले। नागों के राजा वासुकी ने आने की वजह पूछी तो हनुमान जी ने पूरा वाक्य बता दिया। तब वासुकी उन्हें नागलोक के बीचों बीच ले गए। अंगूठियों का ढेर दिखाते हुए कहा कि यहाँ आपको वह अंगूठी मिल जाएगी। मगर अंगूठियों का ढेर देखकर हनुमान जी परेशान हो गए, लेकिन पहली ही अंगूठी उठाई तो वह श्री राम की थी। मगर वह यह देखकर हैरान रह गए कि दूसरी अंगूठी उठाने पर भी श्री राम ही लिखा था। पूरी तरह देखने पर ढेरों अंगूठियों पर श्री राम लिखा मिला। यह देखकर हनुमान जी समझ गए कि उनके साथ कुछ जानबूझकर किया गया है। हनुमान जी को उदास देखकर मुस्कुराते हुए वासुकी ने कहा, महावीर पृथ्वी लोक में जो भी आता है उसे एक दिन लौटना ही है। इसी तरह श्री राम भी पृथ्वी लोक छोड़ एक दिन विष्णु लोक लौटेंगे। इतना सुनते ही हनुमान जी सब समझ गए कि अंगूठी ढूंढने के लिए आना और नागलोक भेजा जाना सब कुछ प्रभु की लीला ही थी। उनका नागलोक में आना श्री राम जी का उन्हें कर्तव्य से भटकाना था, जिससे कालदेव अयोध्या में प्रवेश कर श्री राम को
जीवन समाप्ति की सूचना दे सकें। इस पर उन्होंने सोचा कि अब अयोध्या लौटने पर मेरे प्रभु राम ही वहाँ नहीं होंगे तो मैं वहाँ क्या करूँगा। इसके बाद हनुमान जी फिर अयोध्या नहीं लौटे। एक और कथा के अनुसार प्रभु हनुमान भगवान श्री राम के महान भक्त थे। हिंदू पारंपरिक और ऐतिहासिक कथाओं या कहानी में भगवान श्री हनुमान का नाम कई जगहों पर उल्लेख है। राम को अपना देवता मानते हुए भगवान शिव ने घोषित किया और शिव ने उनकी सेवा करने के लिए पृथ्वी पर अवतार की इच्छा जाहिर की। जब सती ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि वह उन्हें स्मरण करेंगी तो शिव ने केवल खुद का एक हिस्सा पृथ्वी पर भेजने का वादा किया और इसलिए कैलाश पर उनके साथ रहे। वे सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। इस समस्या पर चर्चा करने लगे। यदि वह मनुष्य के आकार को लेते हैं तो वह सेवा के धर्म का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि नौकर मालिक से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिव ने आखिरकार एक बंदर का रूप धारण करने का निर्णय लिया, क्योंकि यह विनम्र होता है। इसकी जरूरतें और जीवन शैली सरल होती हैं। कोई आश्रय नहीं, कोई पका हुआ भोजन नहीं और जाति और जीवन स्तर के नियमों का कोई पालन नहीं होती है। इससे सेवा के लिए अधिकतम दायरे की अनुमति होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।